हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से सीटेट की तैयारी करें और सीटेट का एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करें या हाउ टू क्रैक सीटेट। तो दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन है और मेरे पास काफी कमेंट थी कुछ टाइम पहले, तो दोस्तों मैं नहीं बता पाया था क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल में था। मगर मैं आज आपको बताता हुआ चलता हूँ कि अगर आप सीटेट की तैयारी एक डिसेंट तरीके से करेंगे तो आप किस तरह से आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 130 नंबर ले आएंगे, 140 नंबर ले आएंगे, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप किस तरह से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि सीटेट, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि दोस्तों सीटेट आखिर है क्या। ये दोस्तों है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सभी को पता है, अभी देते हुए भी आए काफी टाइम। अभी 15% और 17% के आसपास रिजल्ट गया हुआ है दोस्तों, पीआरटी टीजीटी दोनों का। अब ये एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है कि सीटेट क्या है, कि सीटेट क्या है। मैं बता दूं आपको, कोचिंग की अगर बात करें तो मैंने एक जगह ट्राई लिए हुए हैं कोचिंग में। अब उन लोगों ने 5वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ाई थी सभी को ईवीएस की, और अगर आप 2018 वाला जो सीटेट का पेपर उठाकर देखेंगे, ईवीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए, इस बार साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए, तो कैसे कर पाएगा, ठीक है, कोई भी कैसे कर पाएगा जब उसके सामने वो एक्सपोजर ही नहीं रहा। तो मैं दोस्तों आपको आसानी से बताता हूँ चलता हूँ कि आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर रिस्पांस अच्छा रहता है इस वीडियो का तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक सेटअप स्टार्ट कर दूंगा कि सीटेट की तैयारी पूरी ए टू जेड तरीके से होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहाँ स्टार्ट की जाए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ। सीटेट ये आप सभी को पता है, पीआरटी टीजीटी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पीआरटी की, ओनली पीआरटी की बात करने वाला हूँ, तो दोस्तों इसके जो 5 पोर्शन है अभी सब देख लीजिए, यहाँ पर इसके 5 पोर्शन है दोस्तों। पहला आता है पैडागोजी, ठीक है ना, पैडागोजी कह लो, चाइल्ड डेवलपमेंट कह लो, या साइकोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो। अब इसमें को अगर मैं डिवाइड करूं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मेनली इसमें 3 चीजें पढ़नी है, प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं आपको जो पढ़नी है मैं बता दूं, बाकी सारा आता है एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कवर करना है उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आपको कवर करना है प्याजे, जोबिन के 4 सिद्धांत, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आता है आपको कोलबर्ग, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे दिया हुआ है दोस्तों, और इनके 3 स्तर थे, वो सब मैं आगे डीप में चर्चा कर दूंगा अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर शुरुआत की जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों वाइगोत्स्की, इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये चीज है, अगर आप, मैं आपको बताता हूँ चलूँ, पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, कुछ भी कहो आप, इसका जो पोर्शन रहता है वो दोस्तों कितने नंबर का रहता है सभी को पता है दोस्तों, ये रहता है 30 नंबर का, ठीक है ना। अब 30 नंबर में मैं बता दूं आपको, अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है ना, बेसिकली आप जनरली अगर रेगुलर टाइम पर स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, अपने इंस्टीट्यूट गए हो, तो आसानी से आप बिना पढ़े भी 17-18 नंबर ला सकते हो। 15 तो ला ही सकते हो क्योंकि एप्लीकेशन होता है, समझ के कर दोगे कि यार ये अलग है वो अलग है, और 2 तो आप निकाल लेते हो, 2 में कंफ्यूज होते हो, उसमें भी आप तुक्के मार के आसपास करके 15 नंबर आधे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे दोस्तों यहाँ पर मैथ की, ठीक है, मैथ का जो लेवल होता है वो भी 30 नंबर का होता है। यहां पर क्या आता है, बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, मूलभूत संक्रियाएं और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये सब आती है, ये सब चीजें आती है इसमें, फ्रैक्शन भिन्न हो गया, एडिशन किस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से सिखाते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें आती है मैथ के अंदर। तो ये भी जो पोर्शन है काफी हार्ड नहीं, आप इजीली करके इसमें भी 20 में से 18 ला सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वो कहते हैं यार मैथ से डर लगता है मुझे, 18 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ईवीएस, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीके अब रिलेट, मतलब जीके जोड़ दिया यहाँ पर बोर्ड ने, तो ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर बढ़ा सकता है, जो घटा सकता है। मान के चलो इस बार की जो तैयारी करी थी, 2 साल से सीटेट नहीं हुआ था, तो जो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एनसीईआरटी के अगर वही क्वेश्चन आ जाते ना, 3rd, 4th, 5th के, तो यकीन मानते सभी के 30 में से 25 नंबर आते, और जो परसेंटेज है ना, पास ऑफ परसेंटेज ये जाता 75%। मैं अभी बता रहा हूँ सीटेट 2018 वाली की, जो 9 दिसंबर को हुआ है, मैं इन्होंने इस बार ईवीएस बदल दी। तो दोस्तों ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हुआ चलूँ, 3rd, 4th, 5th की तो आपको ईवीएस पढ़नी है, ठीक है ना, 3rd, 4th, 5th की तो ईवीएस पढ़नी है। अब उसके बाद क्योंकि इन्होंने पोर्शन ज्यादा बढ़ा दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6, 7, 8 ये दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है, ठीक है ना। 6, 7, 8 क्लास की आपको साइंस और एसएसटी देखनी पड़ेगी एक ना एक बार, तो
क्योंकि फिर कोई बाधा नहीं है आपके लिए, आप इजीली बहुत अच्छे नंबर अचीव कर जाओगे। अब मैं बात करता हुआ चलता हूँ हिंदी, यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट कह लूँ मैं, यहाँ पर हिंदी मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि कोई कुछ भी ले सकता है, लैंग्वेज फर्स्ट। अब दोस्तों इसके अंदर जो चॉइस रहती है वो हिंदी और इंग्लिश रहती है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश। और मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि जो अभी सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो आया है 7/7/2019, इस दिन एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तैयारी की जाए तो मैं आपकी बेसिकली बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा यहाँ पर, आपको कमेंट करनी है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश। अब दोस्तों इसमें कॉमन बात क्या रहती है, यहाँ पर 15 मार्क्स जो होते हैं ना, ये भी 30 नंबर का होता है और ये भी 30 नंबर की होती है लैंग्वेज फर्स्ट। 15 नंबर के आपके पैसेज होते हैं, यानी कि गद्यांश पद्यांश होते हैं, तो इजीली आप ऊपर का पढ़कर नीचे लिख सकते हैं, मतलब आपने पैसेज पढ़ा उसके अंदर के क्वेश्चन आप इजीली पुट अप कर सकते हैं। तो इन 15 में से मैक्सिमम आप 10 नंबर तो ला ही सकते हैं, 10 नंबर 12 नंबर ला सकते हो आसानी से। उसके बाद दोस्तों बेसिक ग्रामर होती है, बेसिक ग्रामर भी नहीं होती, पैडागोजी ग्रामर होती है। पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप सिंटेक्स कैसे पढ़ाएंगे, आप फोनेटिक्स कैसे पढ़ाएंगे, या फिर आप जो है स्वरों की पहचान कैसे कराएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप इजीली इन्हें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड की, और दोस्तों इसमें कॉमन बात कह रहती है, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड चूज कर लिए तो दोस्तों आपको सेकंड में भी आप हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज दोनों में नहीं ले सकते, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज सेकंड की बात करता हूँ, चलता हूँ मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड, ये भी 30 नंबर। दोस्तों अभी मैं थोड़ा और एक्सपोजर करता हुआ चलता हूँ, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, संस्कृत आती है, ठीक है, ऐसी सेम इसमें रहता है, हिंदी भी आती है इसमें, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, और दोस्तों संस्कृत भी आती है। अब आपको क्या करना है, आपकी 10th क्लास में अगर आपके किसी अच्छे सब्जेक्ट पे पकड़ दिया, आपके संस्कृति 10th क्लास में उर्दू थी या फिर पंजाबी थी जिसमें आपके CGPA 10 में से 9 है, 10 में से 8 है, तो आप इजीली इन सब्जेक्ट को इन लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हो, इजीली बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, 30 में से 25-26 नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी यही अपनानी है, ये भी 30 नंबर का। अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि आप बिना पढ़े कितने नंबर ला सकते हो और पढ़कर कितने नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरी चीजें बताता हुआ चलता हूँ, ये अगर आपने एक बार नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना और समझ लेना, वीडियो स्टार्टिंग से भी देख लेना, और इजीली आप ये चीजें सारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आगे आपको बताता हुआ चलता हूँ, अब दोस्तों मैं यहां पर बात करता हूं पैडागोजी, ठीक है ना, मैथ, EVS, हिंदी, यहां पर मैं कॉमन लैंग्वेज ले रहा हूं जो अक्सर बच्चे लेते हैं, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा, आपने ईमानदारी से आप 2 ईयर डिप्लोमा में आप रेगुलर गए हुए हैं, आप नॉर्मल डाइट से या स्पेशल वाले हैं, तो भी मैं आपको बताता हुआ चलूं, आप पैडागोजी में बिना पढ़े नंबर ला सकते हो 15, मैथ में ला सकते हो 12, EVS में भी ला सकते हो 14, हिंदी में आसानी से 18 नंबर ला सकते हो, इंग्लिश में भी ला सकते हो 14 के आसपास, यह है बिना पढ़े। अब देख लो कितने नंबर है आपके, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 5, 2, 7, 4, 11, 8, 19, 4, 23, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 2, 7, 4, 11, 8, 19, 4, 23 का 3 हासिल, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 73। मगर आपको कितने लाने, आपको लाने हैं 90, कितने में से, 150 में से, ठीक है ना, तभी तो 60% होगा आपका जो भी होगा, है ना। तो ये किस तरह से यहाँ पर कितने नंबर की कमी है, 17 नंबर की। अब दोस्तों ये 17 नंबर आप कैसे अचीव करोगे, ठीक है ना, इन 17 नंबर की मेहनत होती है, लोग 82 पे रहते हैं, 83 पे रहते हैं, 84, 85, 86, 87, 88, 89, यहाँ इतने कैंडिडेट होते हैं, इतने पास ऑफ कैंडिडेट नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं बॉर्डर लाइन पर। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर पैडागोजी आप हमारे चैनल पर पढ़ोगे तो इजीली मैं बताता हूँ, ज्यादा नंबर तो नहीं कहता मैं, 22 नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे सीटेट में मैं अपना मतलब मैं तारीफ नहीं करूंगा अपनी, मेरे 24, 25, 26 नंबर इजीली आ जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होता है सारा, हमें समझ के पढ़ना होता है, तो आसानी से नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना, 22 ये हो जाते हैं। मैथ अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो दोस्तों ज्यादा नहीं कहता मैं, बहुत ज्यादा नहीं कहता, बहुत कमजोर बच्चा है तो वो 17 नंबर ला सकता है, ठीक है ना, 17 नंबर ला सकता है।
अब मैं ईवीएस की बात करूं, ईवीएस में अगर जो मैंने आपको बताया था कि आपको 6th, 7th, 8th क्लास की जो है एनसीईआरटी की एसएसटी और साइंस पढ़नी है, तो आप आसानी से यहां पर 19 नंबर ला सकते हो, ठीक है ना, ये ला सकते हो, ये लेकर आओगे आप, क्योंकि अगर आप जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे, ठीक है ना। अब हिंदी की बात करूँ, हिंदी में 18 है तो हिंदी में तो 22 नंबर ले आओगे, इजिली ले आओगे, पैसेज भी इजिली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें 18 ले लेते हैं, ज्यादा नंबर नहीं बढ़ाता मैं आपके। अब यहाँ पर नंबर देखो कितने होते हैं, 2, 7, 9, 9, 18 और 2, 20, 8, 28 का 8 हासिल 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 98, यानी कि आपको 90 नंबर चाहिए थे मगर आप कितने लेकर आ गए, 98। तो ये क्यों लेकर आ गए, क्योंकि अगर आप कोई ट्रिक अपनाते हैं, आप अपना जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज करते हैं। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ बतानी थी, काफ़ी लोग सीटेट को हवा मानते हैं कि हमसे तो क्रैक ही नहीं होता, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, हम नर्वस हो जाते हैं। अब उसके लिए जो है आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।